Hello everyone, welcome to Birbal channel. Today I am back with banking preparation video in which I covered some of computers important questions. As you all must aware that computers is also a qualifying subject in banking in mains examination. So let's start with it. The first question is, the dash shows a brief description and optionally keyboard shortcuts of commands of dialog box launches. The options are context menu, key tip, screen tip, live preview and animation. So firstly we'll see the answer, then we'll discuss upon it. So the answer is C, screen tip. So now what is screen tip? You must have seen कि like जब भी आप किसी system पे किसी screen पे work कर रहे होते हो, आपकी किसी भी sheet पे अगर title bar या tool bar open है, like होती है sheet पे, और अगर आप उस पर आपका mouse का pointer लेके जाते हो, like click भी नहीं करते हैं, just pointer को हमने drag किया and वहाँ पर एक pop-up open हो जाता है, एक window open हो जाती है जिसमें options होते हैं, dialog box open होते हैं, बहुत सारे options होते हैं related to that particular tool, उसको हम बोलते हैं screen tip. तो यहाँ पे वो वही पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बटन है जो शो करता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शनली कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ कमांड्स एंड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स, वो है हमारा स्क्रीन टैप. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल अ न्यू वर्कबुक कंटेन्स डैश वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट. जब हम कोई एक न्यू एक्सेल या न्यू वर्कशीट ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ शीट्स बनी होती हैं, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी शीट्स ऐड करनी होती है हम लोग ऐड कर लेते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी एक्सेल शीट में 3 वर्कशीट्स होती हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3. 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सेल में होती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DTP इन कंप्यूटर्स. DTP क्या होता है? DTP का फुल फॉर्म है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग. DT स्टैंड्स फॉर डेस्कटॉप एंड पब्लिशिंग इज लाइक P फॉर पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? जब भी हम किसी पे काम, जब हम कोई स्क्रीन पे वर्क कर रहे होते हैं एंड द सेम टाइपोग्राफी वी वांट टू गेट इट प्रिंट, राइट, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसके थ्रू हम सेम टाइपोग्राफी में प्रिंट ले सकते हैं, वो हमारा होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग. और यहाँ पे पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ DTP, सो द DTP फुल फॉर्म इज ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CUI स्टैंड्स फॉर. CUI स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर 4, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. ये होता क्या है? एक बात मुझे बताइए, जब भी आप किसी कंप्यूटर्स पे या प्रोग्राम पे वर्क कर रहे होते हैं और अगर आपको कुछ बने हुए प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ एडिटिंग करनी है, तो आप कंप्यूटर से किसके थ्रू बात करते हैं, किसके मीडियम के थ्रू बात करते हैं? वी डू नॉट हैव एनी लाइक सिंपल कम्युनिकेशन लाइक अ ह्यूमन बींग, राइट. सो हम जो बात करते हैं, एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी कमांड्स देते हैं कंप्यूटर्स को, वो हमारा जो इंटरफेस होता है उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. दिस वर्क्स एज इन एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर्स. इसके थ्रू हम कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं जो भी हमें चेंजेस अपने प्रोग्राम में कराने होते हैं. सो दिस इज वॉट CUI, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट इज अ मोशन पाथ. मोशन पाथ हमारा क्या होता है? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड. जब भी हम किसी स्लाइड पर या किसी शीट पर है, अगर हम किसी स्लाइड पर शीट पर भी हैं, जब हम अपने पॉइंटर को, दैट मीन्स माउस के पॉइंटर को ड्रैग करते हैं इधर से उधर, दैट मीन्स मोशन करते हैं उसका, उसको हम बोलते हैं मोशन पाथ. लेट सपोज हमने यहाँ पे किसी को ड्रैग करके हमने एक स्लाइड को, एक ऑप्शंस को या जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबा के ड्रैग करके लेफ्ट मिल जाके हमने शिफ्ट कर दिया. दिस इज़ व्हाट ड्रैगिंग द आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जो आपने वो ड्रैग किया उसको वन प्लेस से टू अनदर प्लेस, वो जो वे था, वो जो पाथ था, उसको बोलते हैं मोशन पाथ. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर. पहले हम ये जान लेते हैं ये ऑक्टल नंबर या जो और ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं या किस सिस्टम के अंदर आते हैं कंप्यूटर्स में. ये हमारा होता है नंबर सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर्स.
जो नंबर सिस्टम है हमारा, उसमें हमारे बहुत सारे नंबर्स की कैटेगरी होती है, लाइक डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इन सब का एक बेस नंबर होता है, ठीक है. लाइक डिटेल में नंबर सिस्टम हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं. डिटेल में अगर आप नंबर सिस्टम जानना चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, उसमें हम आपका पूरा नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑक्टल नंबर की. ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, डेसिमल का होता है 10, हेक्साडेसिमल का होता है 16. ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके हमारे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं. इनके बेस का मतलब होता है इनके अंदर उतने ही नंबर्स आ सकते हैं जितना इनका बेस है. जैसे कि ऑक्टल का अगर बेस 8 है तो उसमें 0 to 7 वाले नंबर्स ही आ सकते हैं. डेसिमल का अगर 10 है तो उसमें 0 to 9 आ सकते हैं. हेक्साडेसिमल का अगर 16 है तो उसमें 0 to 15 ही आ सकते हैं. तो यहाँ पर अगर ऑक्टल है तो 0 to 7 आने चाहिए. हमारे ऑप्शन में कौन सा नंबर है जो 7 से एग्जीट कर रहा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, 8. तो 0 भी हमारा ऑक्टल नंबर है, 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, बिकॉज 0 to 7 के रेंज के विदन आते हैं. बट 8 डजंट कम्स इनटू द ऑक्टल नंबर और ऑक्टल नंबर्स रेंज, सो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द फाइल्स एज वेल एज सब डायरेक्टरीज ऑफ अ डायरेक्टरी. जब आप एक फाइल पे वर्क कर रहे होते हो डॉस की, तो उसमें से अगर आपने जो करंट फाइल है या जो उसकी डायरेक्टरी है और जो उसकी सब डायरेक्टरीज है, दैट मींस पूरी हिस्ट्री अगर आपको डिलीट करनी है, तो हम उसके लिए कमांड देते हैं ऑप्शन नंबर सी, डेल ट्री, DELTREE. DEL दैट मींस डिलीट, ट्री दैट मींस TREE ट्री, जो हमारा पूरा जो ट्री बना है हमारी फाइल्स में, डायरेक्टरीज का, सब डायरेक्टरीज का, एंड देन फाइल्स, पूरा ही आपको ट्री डिलीट करना है. तो इसलिए हम कमांड देते हैं डेल ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम सिस्टम. रियल टाइम क्या होता है, जब भी कोई एप्लीकेशन हम प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में जो एक्चुअल टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम. तो वही वो पूछ रहा है आपसे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रीड एंड रिएक्ट करता है एक्चुअल टाइम में. भाई आपने कमांड दी किसी एप्लीकेशन को ओपन करने की, उसने प्रोसेस के अंदर वो एप्लीकेशन ओपन हो गई, तो रीड की उसने आपकी कमांड, प्रोसेस की, प्रोसेस दैट मीन्स जो एप्लीकेशन को ओपन किया उसका जो एक्चुअल टाइम है उसको हम बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. मुझे ब्लूटूथ यहाँ डिस्कस करने की आई गेस बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज इन टुडेज एरा लाइक एवरी वन मस्ट बी अवेयर ऑफ द ब्लूटूथ. स्टिल जस्ट ब्रीफ अपॉन ब्लूटूथ. हमारा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम कोई भी फाइल्स या कोई भी मीडियम, जो हमारा मीडिया होता है, उसको हम शेयर कर सकते हैं वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट. सो ब्लूटूथ एक पर्टिकुलर रेंज में ही यूज़ हो सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और कोई एक बंदा दूसरी सिटी में बैठा है, मैं ब्लूटूथ से उसको फाइल ट्रांसफ़र कर दूँ. नॉट एट ऑल. कुछ ही स्पेसिफिक मीटर्स या स्पेसिफिक किलोमीटर्स की रेंज ही होती है जिसमें ब्लूटूथ के थ्रू आप शेयरिंग कर सकते हो. तो जिस एरिया या जिस नेटवर्क के अंडर ब्लूटूथ वर्क करता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. उसी के अंदर, उसी के ही हमारे अंदर जो फाइल्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ ट्रांसफ़र. सो द आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इनमें से कौन सा है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. जावा, C++, पाइथन एंड रूबी, ये सारी हमारी ऊप्स लैंग्वेज है जिसमें हम कोई ना कोई वर्कआउट करके, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करके, जो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है वो हम कर सकते हैं. बट फोरट्रान, द ऑप्शन नंबर 4, फोरट्रान इज़ वन ऑफ द थिंग जो कि लैंग्वेज नहीं है. दिस इज़ समथिंग जिसके थ्रू आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग कर सकते हो. So this is basically not an OOPS language. All right. Next question is, a collection of related fields in data organization is called. जब आप कोई डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसमें ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे बेसिकली जो आपके रिलेटेड फील्ड्स हैं, जो भी आपको रिलेटेड फील्ड्स चाहिए, लाइक सपोज कुछ ही रोज चाहिए या कुछ ही कॉलम्स चाहिए, तो वो जो रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन है उसको आप क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर, राइट. बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे हमने कुछ स्पेसिफिक डेटा ही उठाया है, लाइक सारी रोज या सारा कॉलम हमने नहीं उठाया. तो जो स्पेसिफिक डेटा उठाया, स्पेसिफिक डेटा के कलेक्शन को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर. जब वो सेव होता है तो उसको ये बोलते हैं रजिस्टर इज अ सेव्ड, राइट.
Next question, on the motherboard, the connection points for chip are referred to as. Motherboard आप सब लोगों ने like हो सकता है देखा हो. It just look likes a RAM जो आपके hard disk में लगता है, आपके hard drives में basically लगा होता है, computers या laptops में. उस motherboard में जो silver color के dots होते हैं, जिनको हम छोटे छोटे points, connection point या chips बोलते हैं, उनको हम लेमन लैंग्वेज में उनको ये बोलते हैं, बट एक्चुअली जिसमें फिट होते हैं या उनको जो हम साइंटिफिकली लैंग्वेज में बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सॉकेट्स.